अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा वाला थंबनेल आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को दबाइएगा, क्योंकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि प्ले स्टोर से बहुत ईजीली डाउनलोड हो जाएगा, जिसका नाम है पिक्सल ऐप। ये मेरे पास आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए पिक्सल ऐप को हम ऑन करते हैं। तो इसमें से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वही कलर यूज़ करता हूँ जो मेरे पास लगा हुआ है पहले से। तो इसको हम कहीं भी सेट कर सकते हैं न्यू टेक्स्ट को। तो सबसे पहले ऊपर देखिए, तीन डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें हम जो साइज़ है थंबनेल का वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो 1280 और हाइट इसकी 720 होनी चाहिए। चलें 720 लगा देते हैं। ओके, अभी साइज़ इसका सही हो गया। नीचे देखिए, लास्ट में आपको ए नज़र आ रहा होगा, ए को हम प्रेस करते हैं तो सारे ऑप्शन आपको ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर एक पेंसिल का निशान आ रहा है एडिट, तो एडिट को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप जो जिसके मतलब आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका थंबनेल आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हाउ टू क्रिएट थंबनेल ऑन YouTube वीडियोस। तो इसके ऊपर लास्ट में देखिए ओके का बटन है, हम ओके कर देंगे इसको। देखिए वो सामने आ गया उस पेज पर। इसे आप जहाँ सेट करना चाहते हैं वहाँ पर सेट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं इसके साइज़ पर। इसके साइज़ को जैसा आप रखना चाहते हैं वो साइज़ आप बना सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे ये भी रख सकते हैं आप। चलिए हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। उसके बाद है बी स्टाइलिश, इसको आप स्टाइलिश कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद ऑप्शन है आई टी, ये देखिए साइज़, इसके साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे आप सेट करना चाहें। ये देखिए, चलिए हम इसको थोड़ा और बड़ा करके यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। और इसके बाद इसके आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड आप रखना चाहें। देखिए वाइट भी रख सकते हैं आप इसका बैकग्राउंड। देखिए बैकग्राउंड वाइट से वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आप ये भी रख सकते हैं ऑरेंज कलर, तो मेरे ख्याल में ये भी अच्छा रहेगा। तो इसको हम ओके कर देते हैं। इसको ओके करने के बाद स्ट्रोक है, तो इसको स्ट्रोक भी आप डाल सकते हैं इसमें। इसके जो तमिल है उस लिखा हुआ है वो, उसको भी कलर आप दे सकते हैं, किसी भी किस्म का कलर दे सकते हैं, जैसे ये है या ये है, रेड है, बहुत सारे कलर मौजूद हैं यहाँ पर, ब्लू भी दे सकते हैं, ये भी सही है। तो इसके बाद ये देखें 3D भी आप कर सकते हैं, इसे रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। जो आप चाहें वो कर सकते हैं, इस पर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं।
तो चलिए अभी अगले ऑप्शन पर चलते हैं। इसके यहाँ पर देखिए स्टिकर भी आप लगा सकते हैं, स्टिकर लिखा हुआ है, इम्पोर्ट है, शेप्स है, ड्रा है, हर एक ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। चलिए हम अभी इस पर अपने फ़ोटो गैलरी से एक फ़ोटो फिक्स करते हैं जो कि हम इसके ऊपर लगाना चाहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला फ़ोटो हम सेलेक्ट करके सही तरीके से फिर ओके कर देते हैं। देखिए वो फ़ोटो वहाँ पर आ चुका है आपका। तो इसे आप जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ लगा सकते हैं, इसके साइज़ में कमी कर सकते हैं। देखिए इसके साइज़ में कमी करके भी आप लगा सकते हैं, बड़ा लगाएंगे तो फिर वो पूरा का ऊपर आ जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखिए जहाँ फिट बैठता है वहाँ आप लगा लीजिए इसको। ऐसे लगाना है कि पीछे वाली जो आपने जो कुछ लिखा है वो नज़र आना चाहिए। जहाँ आप चाहें लगा सकते हैं इसको, इसको ऊपर से भी छोटा कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। और भी छोटा कर देते हैं हम। ठीक है जी, ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर फिट बैठ रहा है तो हम यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना थंबनेल, एक अच्छा वाला थंबनेल तैयार कर सकते हैं। तो फिर से एक बार मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।